ऑनलाइन टीवी प्रेजेंट्स इतिहास दो मिनट में। ऑनलाइन टीवी प्रेजेंट्स हिस्ट्री इन टू मिनट्स। 1936 भारतीय सैन्य की पुनर्व्यवस्थापना का प्रारंभ हुआ, जो भारतीय सशस्त्र बलों को आधुनिक बनाने की सिफारिशों के अनुसार किया गया था। 1936 द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द इंडियन आर्मी कमेंस्ड फॉलोइंग द रिकमेंडेशंस ऑफ द इंडियन संधुस्त कमेटी। दिस वॉज अ क्रूशियल स्टेप टूवर्ड्स मॉडर्नाइजिंग द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस। 1965 पहली बार अमेरिकी युद्ध ट्रूप्स दक्षिण वियतनाम में पहुंचे, जिससे वियतनाम युद्ध में अमेरिकी भागीदारी में महत्वपूर्ण बढ़ोतरी हुई। 1965 द फर्स्ट US कॉम्बैट ट्रूप्स अराइव्ड इन साउथ वियतनाम, मार्किंग अ सिग्निफिकेंट एस्केलेशन इन अमेरिकन इन्वॉल्वमेंट इन द वियतनाम वॉर। 1967 सुकर्णो का जनादेश रद्द, राजनीतिक उथल पुथल के बाद इंडोनेशिया की अस्थायी संसद ने राष्ट्रपति सुकर्णो के जनादेश को रद्द कर दिया, जो इंडोनेशियाई राजनीति में एक महत्वपूर्ण बदलाव था। ध्यान दें, यह घटना भारत से परोक्ष रूप से जुड़ी हुई है। 1967 रिवोकेशन ऑफ सुकर्णोज मैंडेट फॉलोइंग अ पीरियड ऑफ पॉलिटिकल टर्मोइल। इंडोनेशियाज प्रोविजनल पार्लियामेंट रिवोक प्रेसिडेंट सुकर्णोज मैंडेट, मार्किंग अ सिग्निफिकेंट शिफ्ट इन इंडोनेशियन पॉलिटिक्स। नोट, दिस इवेंट हैज एन इनडायरेक्ट कनेक्शन टू इंडिया। 1968 ऑपरेशन रूंगकॉन्ग दिन वियतनाम युद्ध के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका और दक्षिण वियतनाम ने M2 के आसपास के क्षेत्र में वियतकोंग बलों को खदेड़ने के लिए एक सैन्य अभियान शुरू किया। 1968 ऑपरेशन रूंगकॉन्ग दिन ड्यूरिंग द वियतनाम वॉर द यूनाइटेड स्टेट्स एंड साउथ वियतनाम लॉन्च्ड अ मिलिटरी ऑपरेशन एम्ड एट रूटिंग आउट वियतकोंग फोर्सेज इन द विसिनिटी ऑफ M2। 1971 शेख मुजीबुर रहमान का ऐतिहासिक भाषण बांग्लादेश मुक्ति संग्राम में अहम भूमिका निभाने वाले शेख मुजीबुर रहमान ने ढाका में एक रैली में जोरदार भाषण दिया, जिसने बांग्लादेश की स्वतंत्रता के लिए समर्थन को और मजबूत किया। 1971 हिस्टोरिक स्पीच बाय शेख मुजीबुर रहमान। शेख मुजीबुर रहमान अ पिवोटल फिगर इन द बांग्लादेश लिबरेशन वॉर, डिलीवर्ड अ पावरफुल स्पीच एट अ रैली इन ढाका, फर्दर गैल्वनाइजिंग सपोर्ट फॉर बांग्लादेशी इंडिपेंडेंस। 1986 चैलेंजर आपदा मलबा मिला। अंतरिक्ष शटल चैलेंजर के विनाशकारी विस्फोट के बाद गोताखोरों ने समुद्र के तल पर चालक दल के केबिन को सफलतापूर्वक ढूंढ लिया, जो दुर्घटना की जांच में एक महत्वपूर्ण कदम था। 1986 चैलेंजर डिजास्टर डेब्री लोकेटेड फॉलोइंग द ट्रेजिक एक्सप्लोजन ऑफ द स्पेस शटल चैलेंजर, डाइवर्स सक्सेसफुली लोकेटेड द क्रू कैबिन ऑन द ओशन फ्लोर, मार्किंग अ क्रूशियल स्टेप इन द एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन। 1999 भारत में लोकसभा संसद की निचली सदन महिला आरक्षण विधेयक को पारित किया, जिसमें संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए एक तिहाई सीटों की आरक्षण की मांग की गई। 1999 इन इंडिया द लोकसभा द लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट पास्ड द वुमेन्स रिजर्वेशन बिल, विच सॉट टू रिजर्व 1/3 ऑफ सीट्स फॉर वुमेन इन द इंडियन पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेटिव बॉडीज। 2004 स्पेन के माद्रिद में समय पर दिन भर की भाग दौड़ के समय संयुक्त हमलों ने कम्यूटर ट्रेनों को निशाना बनाया, जिसमें 191 लोगों की मौत हो गई और लगभग 2000 लोगों को घायल किया गया। यह घटना यूरोप में सबसे घातक आतंकी हमलों में से एक थी। 2004 इन माड्रिड स्पेन A series of coordinated bombings targeted commuter trains during the morning rush hour, killing 191 people and injuring around 2,000. This event was one of the deadliest terrorist attacks in Europe. 2012 भारतीय संगीतकार रवि का निधन। हिंदी सिनेमा में योगदान के लिए जाने जाने वाले संगीत निर्देशक रवि का 7 मार्च 2012 को निधन हो गया। 2012 डेथ ऑफ इंडियन म्यूजिशियन रवि। म्यूजिक डायरेक्टर रवि नोन फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशंस टू हिंदी सिनेमा पास्ड अवे ऑन 7 मार्च 2012। थैंक यू।
Please subscribe channel.